तो गाइस काफ़ी चटक है यहाँ के छोले कुलचे। हमें लगता है कि आप हमारी शक्लें देख देख के काफ़ी बोर हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो के थ्रू डिफरेंट फूड को भी एक्सपीरियंस कर सकें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल योर लवली कमेंट्स। हमें काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया और कमेंट किया टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर डिफरेंट फूड प्लेसेस। तो आज हम आपको ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और इन्जॉय कर सकते हैं फूड को। तो चलिए चलते हैं। चलो, अभी हम खड़े हैं मायापुरी इंडस्ट्रियल फेस 2 में, और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है मायापुरी के फेमस छोले कुलचे। तो गाइस, अगर आप साउथ वेस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ के मटर कुलचे जो उनकी है बहुत फेमस है, जो कि मायापुरी के अंदर है। अगर आप मायापुरी आते हैं तो यहाँ के मटर कुलचे जरूर टेस्ट करिए, जिसकी अफोर्डेबल प्राइस ₹60 है पर प्लेट एंड ₹40 की यहाँ पे हरियाणा लस्सी भी अवेलेबल है। पर जो टाइमिंग है इस दुकान के वो है 11:30 से लेकर 7 बजे तक, मंडे टू संडे। आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं फूड को। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के थ्रू, इस मटर कुलचे पे इतनी भीड़ लगी हुई है सुबह 11:30 बजे कि लोग इतने अट्रैक्टेड हैं यहाँ खाने के लिए, और काफ़ी लोगों की तकार यहाँ पे लगी हुई है। ये समझ लिया, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कम से कम आपको 15 मिनट की वेटिंग भी लगेगी इस मटर कुलचे को खाने के लिए। तो गाइस, अब हम आपको दिखाते हैं इनकी प्रिपरेशन और मेकिंग, और क्यों ये इतने फेमस है और क्यों इतने लोग जो है यहाँ पे अट्रैक्ट होकर आते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इनका नाम करण है और ये काफ़ी पुरानी दुकान है, और आप देख सकते हैं कि कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं इन्होंने। अभी काफ़ी तरह के जो उनसे हैं प्याज टमाटर और सारे को डाल दिए, बाकी अब आप देखते हैं कि कैसे बना रहे हैं। कस्तूरी मेथी इन्होंने डाली है, अभी काफ़ी फास्ट है ये बनाने में। अब इन्होंने नमक मसाले सारे डाले हैं, लाल मिर्च इन्होंने डाली है, मसाला डाले हैं, आप देख सकते हैं इसे। भैया को तो 1 साल ही हुए हैं यहाँ पे काम करते हुए कह रहे हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपर्ट है ये सारे। आप तो यंग लग रहे हो, हमें 20 के लगे नहीं ना, 20 साल 20 साल की तो यार लगती है। कितनी एज है आपकी? 35। अच्छा, तो मतलब 20 साल से बना रहे हैं छोले कुलचे। भाई साहब, तो हाथ से ही पता लग रहा है भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने छोले में नमक डाला है। बात बिल्कुल सही बोली है, 1 साल में कोई नहीं बनता भाई, टाइम लगता है यार। वो तो एक्सपीरियंस है तो ही है, जैसे जैसे आप काम करते रहोगे एक्सपीरियंस होते जाएगा। ये क्या डालना, कुछ ये क्या डाल रहे हो आप? अदरक, और इसमें इन्होंने अदरक भी अभी डाला है, अदरक का पानी डाला है। ठीक है, देख सकते हैं अब इन्होंने पूरे के पूरे छोले जोन से ना पलट दिए हैं, छोले जोन से इन्होंने डाल दिए इसके अंदर, और अब इसको मिक्स कर रहे हैं मसाले के साथ और तड़का लगा रहे हैं। तड़का लगा दिया इन्होंने बिल्कुल, जोन से मसालों के साथ बिल्कुल छोले मिक्स हो चुके हैं, प्याज टमाटर ये जोन से अब सारे मिक्स हो चुके हैं। अब इन्होंने दोबारा डाला है इसके अंदर, दोबारा जो डाला आपने। हल्का मचा दिया आपने, बहुत अच्छा। अब इन्होंने देख रहे हैं कस्तूरी मेथी दोबारा डाली है, एक बारी पहले डाल चुके थे लेकिन एक और बारी इन्होंने डाली है। अब बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट है। दोबारा जो है प्याज डाले हैं इसके अंदर, ये जो तड़का लगा रहे हैं ये कुलचे के लिए लगाएंगे स्पेशली। हाँ, कुलचे के लिए। बटर कौन सा यूज करते हो? तो गाइस, देख सकते हैं इन्होंने अभी बटर डाला है जो कि अमूल न्यूट्रलाइट यूज़ करते हैं।
दोबारा इन्होंने टमाटर डाले हैं कुलचे के लिए। अब मेन प्रिपरेशन जो होती है वो कुलचों के लिए हो रही है। पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने आपको छोले की प्रिपरेशन दिखाई थी, अब हम आपको कुलचे की प्रिपरेशन दिखा रहे हैं कि किस तरह की ये कुलचे बनाते हैं हम। तो गाइज़ नॉर्मली आपने एक चीज़ नहीं देखी होगी कभी, हमेशा जो से कुलचे छोले वाले जो से सिर्फ छोले में तड़का लगाते हैं, लेकिन इन्होंने कुलचे में भी तड़का लगाने की कोशिश की और काफ़ी देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो खाने में सोचो गाइज कितना अच्छा लगता होगा ये। दोबारा इन्होंने नमक डाला है, नमक सारे मसाले जो उनसे दोबारा मिक्स होंगे, बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। काफ़ी मसालेदार कुलचे हैं ये। अब जो सा इन्होंने दोबारा कस्तूरी मेटी का प्रयोग करा है, दोबारा मिक्स करते हैं इसको। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुलचे जोन से है वो आटा और सूजी की अवेलेबल है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा जोन सा है, अब सवा जोन सा है वो कुलचों की सराउंडिंग में लगा दिए है। लेयर्स पे लेयर्स लग रही है, मजा आ गया देख के प्रिपरेशन यार। बैग लेके स्ट्रीमली गड़े यार, मजा आ गया। मतलब फिर ये मसाले को हिला रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे ये, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। ये कुलचे ना गिर आके सारा कस्तूरी मेटी तो मिला, सब जगह कस्तूरी मेटी मिलती है। फाइनली गाइस ये प्रिपेयर हो चुके हैं बिल्कुल, फाइनली गाइस ये बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं आप खाने के लिए। और अब जो है भैया जो है फॉइल के अंदर इसको डाल रहे हैं एक एक को। अब ये देख रहे हैं कि आप इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे कुलचे के अंदर, बिल्कुल कुलचे के अंदर मिक्स कर दिया इन्होंने मसाले को। ऐसे लग रहा है अभी चले हम ले लें बाद में वीडियो बनाए। जिन जिन के इन्होंने ऑर्डर्स ले रखे हैं। तो गाइस अगर आप अपने घर के लिए छोले कुलचे को भी ले जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके की पैकिंग करके देते हैं। तो गाइस यहाँ पे गूगल पे और फोन पे की भी ऑप्शन है, आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। और अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ये प्लेट है, कैसा है भाई? बहुत बढ़िया भाई, लिटरली बढ़िया लिटरली। तो गाइस लिटरली इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है और हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो बिल्कुल वर्थ है। तो आप यहाँ पे आए तो जरूर इसको ट्राई करें। और यहाँ की हरियाणा की लस्सी आज हम पी रहे हैं, दिल्ली में रहेंगे। तो गाइस हम आपको यहाँ के एक्सपीरियंस भी बताते हैं अलग अलग लोगों से। तो भाई साहब आपका नाम? मनीष। मनीष तो आप यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं? नहीं मैं पहली बार आया हूँ, जयपुर से हूँ मैं। जयपुर से यहाँ तो कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत टेस्टी लगे, बहुत अलग है काफ़ी और जगह से। इस तरह के आपने खाए पहले? नहीं इस तरह के कभी नहीं खाए। जयपुर में नहीं मिलते ऐसे? नहीं ऐसे जयपुर में नहीं मिलते। ये जो कुलचे के अंदर प्याज वाला जो तड़का है
ये कहीं भी नहीं खाया मैंने। अच्छा, तो ऐसे मिल जाते हैं फिर भी। हाँ, लेकिन कुलचे बहुत अलग है। तो आप दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल, पैसे के भी वर्थ है, 60 रुपीज के ना। जैसे कि देख सकते हैं हमारी तरह एक और भी फूडी हमें मिल गए हैं, तो अपना मेमोरेबल एक्सपीरियंस ये बताना चाहेंगे। ये कहाँ से आए हैं अभी? साकेत से आए हैं, स्पेशली साकेत से आए हैं, 22 किलोमीटर अवे से आए हैं हम लोग। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मजेदार, सुपर हॉट, मतलब लाइव उन्होंने हमारे सामने बनाया, दो हमें वेट करना पड़ा। हाँ, काफी वर्थ वेटिंग, जैसा वीडियो में देखा था उससे ज्यादा अच्छा लगा। चलो, थैंक यू सर। स्पाइसी था बट चलेगा। थैंक यू सो मच। तो गाइस, अगर आप साउथ वेस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हैं या मायापुरी के आसपास कभी आए, तो यहाँ के छोले कुलचे जो है ट्राई कर सकते हैं। इस दुकान का नाम है मायापुरी के फेमस छोले कुलचे। एड्रेस जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। प्रमोशन और स्पॉन्सर के लिए बुला सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट 555 कॉलर्स। आई रिपीट, 555 कॉलर्स। वी आर जस्ट अ फोन कॉल एंड अ फ्यू क्रोर्स अवे। कह रहा था कमेंट सेक्शन में कमेंट आए हैं, इनको तो कमेंट दे दीजिए। फोन घुमाइए और सर्विसेज का एंजॉय करें। मेरी फीस के साथ ही एब्सोल्युटली फ्री है। मैं हमेशा शुरू से कॉम्प्लीमेंट्री रहा हूँ और नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, नो जीएसटी। एंजॉय करिए आप अपनी लाइफ को। इसी में उस भाई ने मिर्ची नहीं डाल के देखी थी, लेकिन उनको लगा ना हम यूट्यूबर्स हैं, उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो मेरे को मिर्ची भी एक कॉम्प्लीमेंट्री कर दी।